हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और उम्मीदवारों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन भरने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण SDM के समक्ष अपना नामांकन भरा। इससे पहले विधानसभा से लेकर DC ऑफिस तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विधानसभा के हजारों लोग शामिल हुए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो दूसरी बार शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। काफी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं और अब क्षेत्र में जाकर जीत के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और इस क्षेत्र का जैसे विकास के लिए सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। डिग्री कॉलेज आनन फानन में घोषणा की गई, लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया गया। मैं दूसरी बारी शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र सभी के आशीर्वाद, सहयोग और प्यार से भरा है। हमने खुशी है मुझे ये कहते हुए कि पिछले 5 साल में शिमला ग्रामीण में हमने विपक्ष में रहते हुए करीबन 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, और आने वाले समय में क्योंकि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम जब हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे, हम मिलकर करीबन 5,000 नौकरियां शिमला ग्रामीण के अंदर आने वाले समय में पैदा करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे रिक्त पद हमारे अस्पतालों में, स्कूलों में और इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, उनको भरने का काम किया जाएगा। बाकी जहाँ तक प्रदेश स्तर की बात है, जो हमने वादे, हमारी 10 गारंटीज़ हमने दी है, चाहे वो OPS है गारंटी नंबर 1, चाहे हमारे महिलाओं के लिए समान राशि 1500 रुपये जो हमने जो मासिक पेंशन देने की बात करी है, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज, हर निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का ऋण देने की बात करी है, बाकी और भी जो मसले हैं उनको भी हम सकारात्मक तरीके से पूरा करेंगे। सही का समर्थन करेंगे, गलत का विरोध करेंगे, और शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन क्षेत्र, जो सपना स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का था, जिन्होंने करीबन 1500 करोड़ रुपये के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में किए, उसको और ऊँचाइयों पर सभी के आशीर्वाद के साथ, सभी के सहयोग के साथ, सभी के समर्थन के साथ हम आगे लेकर जाएंगे। और जो कुछ कमियां विपक्ष में रहते हुए रह गई थी, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए थे, ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हमारी सरकार बनेगी, हम खुलकर आने वाले समय में शिमला ग्रामीण में विकास के कार्य करवाएंगे। यही मैं आज संकल्प लेकर यहाँ पर आया हूँ, और जितना भी हमारे साथ जनसैलाब यहाँ पर आया है, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जीत के लिए हम पूरी तरीके से काम भी करेंगे, धरातल पे कार्य करेंगे और जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, वो किसी को भी अपना टिकट दें, चाहे A है, चाहे B है, चाहे C है, हमारा जो निशाना है, मछली की आंख की तरह हमारा निशाना जो है वो बिल्कुल साफ है। हमने शिमला ग्रामीण का विकास करवाना है, शिमला ग्रामीण को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है,